इस एपिसोड के गॉस में आप लोग देखेंगे हसन सब्बा एक चाय वाले होटल पर बैठकर चाय पी रहा होता है। इसी दौरान अपना चेहरा छुपाए हुए बहराम वहां आता है। बहराम कहता है, आप रोशन चेहरे वाले शख्स हैं, क्या आप इस मस्कीन को अपने साथ बैठने की इजाज़त देंगे? इसके साथ ही हसन सब्बा हाथ के इशारे से उसको अपने पास बिठा लेता है। वहां बैठने के बाद बहराम अपने चेहरे को वाजे कर देता है और पूछता है, क्या हालात हैं? इस पर हसन सब्बा कहता है, संचार नहीं मरा और वो मुकद्दस अमानतें भी उसके पास नहीं थीं। अगर उसके पास होती तो सलजूक उसे महल में ले आते। फिर बहराम पूछता है, वो अमानतें अब किसके पास हैं? आगे से हसन सब्बा कहता है, फिलहाल मैं उनके बारे में नहीं जानता। मलिक तेबार उन मुकद्दस अमानतों की तलाश में है, लेकिन संचार ज़रूर दूसरी तरफ से उन मुकद्दस अमानतों को तलाश करने के लिए गया होगा। तुम रुस्तम से कहो कि वो हर वक़्त संचार के ताकुब में रहे। हम वो मुकद्दस अमानतें संचार के अलावा तलाश नहीं कर सकते। इस पर बहराम कहता है, क्या ये खबर हजरत आला को देनी चाहिए? यह सुनकर हसन सब्बा कहता है, वो क्यों, क्या इस बार वो हमें दोबारा से मुकद्दस अमानतों को तलाश करने के लिए रोकेंगे? जब मुकद्दस अमानतें हमारे हाथ लगेंगी तो वो खबर हजरत आला तक पहुंच जाएगी। इस पर बहराम एक भिखारी का रूप धार कर वहां से खड़ा हो जाता है और कहता है, आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे जनाब, दुनिया आपके कदमों में बिछ जाएगी। यह सुनकर हसन सब्बा एक सोने का सिक्का उसकी तरफ उछाल देता है। इसके बाद बहराम वो सिक्का उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ संचार गुस्से से दुकास की हवेली के बाहर आ जाता है। बाहर आकर संचार अपने साथियों से कहता है, अंदर कोई नहीं है, मुझे लगता है कि निजामो मुल्क ने कोई चाल चली है, उन्होंने दुकास को यहाँ से पहले ही रवाना कर दिया। वो इस मामले को इलम और सियासत के साथ हल करना चाहते हैं, मगर ये मामला इलम और सियासत के साथ हल होने वाला नहीं है, मुझे मालूम है कि दुकास कहाँ मिलेगा। ये सुनकर दुकास कहता है, अगर निजामो मुल्क ने कुछ ऐसा किया है तो वो ज़रूर उसके बारे में जानते होंगे, हम उनके बगैर क्या करेंगे संचार। यह सुनकर संचार कहता है, मेरा रास्ता वाजे है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो निजामो मुल्क के पीछे जा सकता है, मुझे ऐसे बहादुर चाहिए जो बगैर तअद्दद के मेरे पीछे आ सकें। यह सुनकर संचार के सब साथी अपने सीने पर हाथ रख कर अदा बजा लाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता है संचार, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुस्तम वहां आता है और कहता है, ये सब जिसके पीछे हैं वो हमें उस मुकद्दस अमानतों तक ले जाएगी। ये कहकर रुस्तम भी वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ कोर किले में कमांडर अंद्रयास बैठकर शराब पी रहा होता है। इसी दौरान उसके पास एक कमांडर आता है और कहता है, कमांडर अंद्रयास, सुल्तान मलिक शाह ने हमारी सरहद को बंद कर दिया है और सलजूकी सिपाही आने जाने वाले तमाम ताजरों से तफ्तीश कर रहे हैं। यह सुनकर कमांडर अंद्रयास परेशान हो जाता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह को शक हो चुका है कि वो संदूक हम हासिल कर चुके हैं, मुझे जल्द से जल्द उन मुकद्दस अमानतों को शहनशाह के हवाले करना होगा, नहीं तो थियोडोर की मौत के बाद शहनशाह मुझे रौंद डालेगा। कमांडर अंद्रयास कहता है, यार गोस को पैगाम भेजो कि मुकद्दस अमानतों वाला संदूक कोर किले ना लाए। इस पर वो कमांडर कहता है, जो हुक्म जनाब। ये कहकर वो कमांडर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कमांडर अंद्रयास कहता है, जब कबायली लोग मलिक तेबार को कत्ल करेंगे तो तब मैं देखूंगा तुम्हें मलिक शाह, तुम लोग एक दूसरे को कमज़ोर करोगे, फिर मैं उस कलम को तोड़ दूंगा जिस कलम की मदद से तुमने इस खित्ते की हदूद को तय किया है मलिक शाह। इधर दूसरी तरफ जंगल में मलिक तेबार अपने साथियों के साथ मुकद्दस अमानतों की तलाश में सफ़र कर रहा होता है। कुछ देर आगे जाकर रुकने के बाद मलिक तेबार अपने साथियों से कहता है, हम कोर किले की हदूद में हैं, आप लोग तैयार रहना।
इसी दौरान उनको सीटी वाले तीर की आवाज़ आती है तो वो सब वहाँ रुक जाते हैं। आगे से मलिक तैबार कहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। इसके साथ ही एक सलजूकी सिपाही एक तीर सीटी वाला ऊपर की जानब छोड़ देता है। तीर की आवाज़ सुनकर एक सलजूकी साथी घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आता है और वो कहता है, शहजादे, हमें एक बाइजेंटाइनी दस्ते के बारे में खबर मिली है, वो कुछ अहम सामान भी उठाए हुए हैं। इस पर मलिक तेबार कहता है, वो किस तरफ गए हैं? आगे से वो शख्स कहता है, एनातुलिया के कबाइल की जानब शहजादे। इस पर मलिक तेबार कहता है, उनके पास जो सामान है उनमें मुकद्दस सामानते भी हो सकती हैं। हमें लगता है कि वो मुकद्दस सामानतों को कुस्तनतुनिया लेकर जाना चाहते हैं। इसके बाद मलिक तेबार अपने साथियों से कहता है, चलो घोड़ों को डराओ, हम एनातुलिया के कबाइल की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही वो साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ असबहान में सुल्तान अपने तख्त पर बैठे होते हैं, जबकि दरकान खतून और मलका सफीरिया खतून सुल्तान मलिक शाह के सामने खड़ी होती हैं। दरगान खतून कहती है, मेरे सुल्तान, मैं एलचिन खतून के बारे में अहम मालूमात लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, मगर अब मलका सफीरिया खतून मेरी मुलाजमा को इस मामले में घसीट रही हैं। अगर उसको मुझ पर शक है तो वो आपकी खिदमत में ये मामला बयान कर सकती हैं। इसकी वजह से आपकी अहलिया की शोहरत खराब हो रही है मेरे सुल्तान। इस पर मलका सफीरिया खतून कहती है, इस पर अल दरकान खतून परेशान क्यों है मेरे सुल्तान? अगर ये बेगुनाह है तो कल सब सब के सामने सच सामने आ जाएगा मेरे सुल्तान। क्या इनको मलका आलिया पर एतमाद नहीं है या फिर आप पर एतमाद नहीं है? जवाब में दरगान खतून कहती है, मेरा मसला एतमाद नहीं है, एतबार है सुल्तान। क्या आप मुझ पर एतमाद और भरोसा नहीं करते? क्या सुल्तान को सब वजाहत पेश करने के बावजूद भी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है? मैंने उस गद्दारी से पर्दा उठाया जिस गद्दारी को सबके सामने लाया जाए, क्या यही मेरा कसूर है मेरे सुल्तान? दरगान खतून और मलका सफीरिया दोनों की बातें सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, मैं आपको बता चुका था दरकान के तहकीकात अच्छी तरह से की जाएंगी, और जहाँ तक आपके एतबार की बात है, आपका एतबार मेरा एतबार है दरगान खतून, लेकिन एतबार से ज़्यादा अहम इंसाफ है दरगान खतून, और जो जिसको जो कुछ पता है वो मेरे सामने पेश किया जाए, हम कल उसी के मुताबिक फैसला करेंगे। सुल्तान के फैसला सुनाने के बाद दरकान खतून की सब उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसके बाद मलका सफीरिया खतून और दरगान खतून वहाँ से चली जाती हैं। दरगान खतून वहाँ से जाते हुए गजबनाक निगाहों से मलका सफीरिया खतून की जानब देखती हैं। सुल्तान के दरबार से निकलने के बाद दरगान खतून सीधी अपने कमरे में जाती है और वह उस लम्हे को याद करती है जब वह अपने बच्चे की पैदाइश के वक़्त उसने शदीद दर्द की वजह से अपने हाथ को मलका सफीरिया खतून की जानब बढ़ाया था, लेकिन मलका सफीरिया खतून ने उसके हाथ को थामने की बजाय अपने हाथ को पीछे कर लिया था। यह ख्याल आते ही दरगान खतून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं जब से इस महल में आई हूँ तब से आपने मुझे पसंद नहीं किया, मुश्किल वक़्त में भी आपने मेरे हाथ को ठुकरा दिया, मैं अपने हक ना सही तरह से मिलने पर भी खामोश रही, और अब आप मुझे एलचन खतून के मामले में दबाना चाहती हैं जिस पर मैं हक में हूँ, मगर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहते सार ही दरकान खतून एक संदूक में रखे हुए जहर की शीशी निकाल लेती है और वह उस लम्हे को याद करती है जब वो गार में एक औरत से मिली थी जिसने इसको जहर दी थी, और उस औरत ने कहा था, इस जहर को चिराग में डाल देना और जब चिराग को जलाया जाएगा तो ये जहर आसपास लोगों पर असर करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे इस जहर का असर होता जाएगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पागल होते जाएंगे और कोई भी अपने आसपास पागल को रखना पसंद नहीं करेगा। ये ख्याल आते ही दरगान खतून कहती है, आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है मलका आलिया।